गुड इज अल्टीमेट्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन एमराल्ड के कॉर्नर एपिसोड में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले एपिसोड में हमने चैलेंज किया था मोबाइल सिटी के जिम लीडर वाटसन को, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन्स यूज़ करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उससे हार गए थे। और आज हम लोग वापस से उसे चैलेंज करने वाले हैं, देखते हैं कि हम उसे हरा पाते हैं क्या नहीं। और हाँ, मैंने अपने पोकेमोन्स को थोड़ा ट्रेन किया है उसी के लिए स्पेशली, क्योंकि हम उसे हरा ही नहीं पा रहे थे पिछले एपिसोड में। तो गाइज़, यहाँ पे देख लो, स्टॉर्म हमारा चला गया है लेवल 30 में, इलो 20 में, अफ्लो 19 में ही है, और डोज जैसे तैसे करके 18 में गया है। मुझे लगा था 18 में वो गैलाडोस में इवॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, तो पता नहीं कब होगा इवॉल्व। सो एनीवेज गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं मोबाइल सिटी, वापस एंटर करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने जिम के बाकी मेम्बर्स को हरा दिया था, बस हमें वाटसन को हराना है जो कि जिम का लीडर है। तो देखते गाइज आज हरा पाते हैं या नहीं। सो चलो गाइज, वापस से हम चैलेंज करते हैं लीडर वाटसन को। चलो चलो जल्दी जल्दी, देखते हैं आप आते हैं क्या नहीं। सो इसके पास 4 पोकेमोन्स है। पहला पोकेमोन है वॉल्टॉर्फ लेवल 20 का, और इसके लिए मैं भेज रहा हूँ स्टॉर्म को। ऑफकोर्स लीफ ब्लेड, ये नया मूव सीखा है हमारे स्टॉर्म ने, लीफ ब्लेड, और काफ़ी अच्छा मूव है लीफ ब्लेड। टेक डाउन भाई, बहुत अच्छा मूव है। टेक डाउन वगैरह, टेक डाउन तो अलग टाइप का मूव हो गया, सॉरी वो नहीं, लीफ ब्लेड एक अलग अच्छा मूव है, पता होगा। लीफ ब्लेड बेस्ट ग्रास टाइप मूव माना जाता है। टेक डाउन मैंने क्यों कहा यार, टेक डाउन तो एक नॉर्मल टाइप मूव है। तो एक ही बार में हमने वॉल्टॉर्फ को हरा दिया, अरे भाई सही है। तो शायद से देखो, ये तो पता ही है आप लोगों कि ग्रास टाइप पोकेमोन्स इलेक्ट्रिक से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब एडवांटेज होता है। तो हमारा ग्रास टाइप है स्टॉर्म और उसका इलेक्ट्रिक टाइप है, तो शायद से हम जीत सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव भी है लीफ ब्लेड। ओके, हमने दो पोकेमोन्स को हरा दिया। सो अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटोन, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा था पिछले एपिसोड में। हमने मैग्नेटोन, मतलब मैग्नेटोन को आगे हरा ही नहीं पा रहे थे, मतलब सबको हरा दिया था हमने, मैग्नेटोन बच रहा था। और इस बार तो हरा के ही रहूँगा भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, तूने बहुत परेशान किया है मेरे को। पैरालाइज हिल कहाँ है, हाँ ओके, हो जा यस दोस्तों, हमने हरा दिया, मैग्नेटोन को हरा दिया, यस। और एक पोकेमोन बचा है जो कि मैनेट्रिक, और कितने लेवल का है ये, है एक मेल मैनेट्रिक लेवल 24 का, और इसको भी हम आराम से हरा सकते हैं आई गेस। तो लीफ ब्लेड, यस। और एक बार ओ बच गया, ओ शिट, पोशन यूज़ कर दिया इसने। मिनट, बच गया भाई, एचपी देखो मेरा, एक एचपी बच गया भाई बच गया मैं। और इसी के साथ हमने हरा दिया मोबाइल सिटी के जिम लीडर वाटसन को। वाह, फाइनल लॉस्ट, यू एंडेड अप गिविंग मी अ थ्रिल, टेक दिस बैज। सो गाइस, हमें मिलने वाला है बैज इस सिटी का, देखते कौन सा बैज है। सिव रिसीव द डायनामो बैज फ्रॉम वाटसन, अरे भाई सही है। तो हमें मिल चुका है हमारा अगला बैज, और पोकेमोन कैन यूज रॉक स्मैश आउट ऑफ बैटल। और हाँ, रॉक स्मैश तो हमारे पास है ना शायद, एंड इट विल मेक योर पोकेमोन लिटिल बिट फास्टर टू, यू शुड टेक दिस टू, ऑप्टेन TM34। तो ये क्या है, ये है शॉक वेव, अरे ये सही मूव है। तो हमने रजिस्टर कर लिया अपने पोकेन ऐप में लीडर वाटसन को। आई स्वेल विद ऑप्टिमिज्म सीइंग ए प्रॉमिसिंग यंग ट्रेनर लाइक यू। अच्छा, तो पिछले एपिसोड में ही हमें रॉक स्मैश मिल चुका था इसी सिटी में, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता कहाँ पे मिला था हमें, तो हमें मिला था आई गेस एक मिनट, इस जगह में, हाँ इस घर में मिला था। बात करना इस अंकल से, मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो हाँ, काफ़ी बंदों ने मुझे सजेस्ट किया था पोकेमोन टीम के लिए, तो मैं डेफिनेटली उसे कंसिडर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगा उस हिसाब से, क्योंकि देखो राइडोन कहा था आपने, राइडोन, और उसके जगह मैं राइडोन के जगह मैं सोच रहा हूँ कि मैं एरोन पकड़ लूँ, क्योंकि एरोन भी कहा था कुछ लोगों ने, एरोन मतलब एग्रोन होता है ना शायद, तो वो डेफिनेटली हम पकड़ने वाले हैं। तो एक मिनट, पहले अब देख लेते अभी हमें करना क्या है। सो मैं पोकेन ऐप से चेक करता हूँ, किसी को फ़ोन करके, मे का नंबर कहाँ है एक मिनट, हाँ ये रहा, शेव रस्टर्फ टनल, दे नेम्ड इट बिकॉज रस्टबोर जॉइंस वन ऑफ, ये क्या था भाई, मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। चलो एनीवेज, हमारे पास साइकिल तो है। ओ बैटल, चलो गाइस बैटल करते हैं, और ये डबल बैटल है, तो बैटल करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों।
ओके सो गाइस, जैसे तैसे करके हमने हरा दिया इन्हें। चलो, और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था, मुझे हील करना था अपने पोकेमोन्स को। एक मिनट, कहाँ गया भाई पोकेमोन सेंटर, ये रहा। हाँ, अब चलते आगे। अच्छा, इस जगह में क्या है, मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरे पास मैप भी तो है ना पोकेनैव में। होइन मैप, यहाँ देखते हैं। इधर से हम जाएंगे तो पहुँचेंगे हम लेवरेज टाउन। ओके, फैलेबर टाउन। अच्छा, यहाँ पे वर्धन टर्फ टाउन। अच्छा, रस्ट बोरो सिटी। आई गेस हमें ऊपर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेवरेज टाउन थोड़ा, मतलब वर्धन टर्फ तो बाद में देखा जाएगा यार उसको, पहले यहाँ चलते हैं हम। और यहाँ पे कुछ बैटल्स वगैरह होंगे तो मैं, एक मिनट, यहाँ क्या है, मोबाइल सिटी। अच्छा चलो गाइस, बैटल करता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस, हमने हरा दिया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। और साइकिल, बैटल 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 मत छोड़ो गाइस, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग बैटल स्किप करते हैं। बैटल स्किप मत कर किया करो, ग्रास पाथ से अच्छा बैटल है करना। तो यहाँ पे एक और बैटल है, चलो गाइस बैटल करते हैं। हाँ, सो मैं कह रहा था कि बैटल मतलब देखो, मैंने जहाँ तक देखा है तो लोग बैटल करते हैं डेफिनेटली, लेकिन पोके बॉल ले लेते हैं पहले। हाँ, सो ग्रास पाथ से अच्छा है कि आप ट्रेनर के साथ बैटल करो। देखो काफ़ी लोग मतलब देखो, ऐसे आप मान लो कहीं जा रहे हो तो मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं लगता किसी के साथ बैटल करना। मतलब अजीब लगता है कि हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और फालतू में बैटल क्यों करें हम, लेकिन बाद में वो बहुत एडवांटेज देता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं क्या, हाउ इज दिस, व्हाट डू यू से टू टेकिंग ऑन आवर फैमिली ऑफ फोर इन ए सीरीज ऑफ पोकेमोन बैटल्स। तो गाइस एक और बैटल होगा, मतलब ये तो शायद कुछ अलग टाइप का होगा क्योंकि इसमें हम फैमिली बैटल करने वाले, मतलब चार सदस्य है उसके परिवार के, तो हम चारों को एक एक करके हराएंगे। चलो गाइस करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड, ये दिखा देते हैं बैटल। ठीक है, बुलेट लिव ब्लेड, लिव ब्लेड आराम से हरा सकते हैं हम। लिव ब्लेड, कट कट से भी हो गया हमारा काम। डोज गया लेवल 20 में। अच्छा, सो अब और दो बच्चे हैं। अच्छा, ये सही है। सो गाइस फाइनली डोज इज इवॉल्विंग, तो ये लेवल 20 में इवॉल्व होता है। ओके, और किस में इवॉल्व होगा उस पता ही होगा, कितना खतरनाक पोकेमोन होगा। सो ये है हमारा, कौन सा है, समझो समझो कौन सा है। यस, हमारा ड्रैगन पोकेमोन, ड्रैगन, हाँ ड्रैगन पोकेमोन, ड्रैगन ही है ना। इवॉल्व इनटू गैराडोस, गैराडोस, और बाइट सीख लिया इसने। अरे सही है। सो और दो बैटल्स, चलो 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 जल्दी जल्दी। कट काफ़ी अच्छा मूव है निमल। इसके लिए मैं भेजूंगा अपने डोज को, एक बार ट्राई करते हैं। बैट बाइट बाइट बाइट, फ्लो को ट्रेनिंग होगा यहाँ, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग होगा। ओ पैरालाइज, शिट 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 शिट, कोई बात नहीं। ओके सो लास्ट बंदा, अच्छा ग्रैंडमा। ओके सो सबसे पावरफुल ये है इसकी फैमिली में। ओके सो हमने हरा दिया गाइस, आई गेस सबको हरा दिया हमने। इफ़ यू नॉट इन हरी, विजिट अस, विजिट विथ अस अवाइल। ओके ओके श्योर। एक मिनट, मैं एक चीज़ चेक करना है, मुझे ये जानना है कि ये लीव ब्लेड का पीपी कितना है। भाई बस 15 PP है। ओके, यू आर द फर्स्ट ट्रेनर आई हैव सीन हु डिप्लॉयज पोकेमोन सो मास्टरफुली, बट आई शुड टेल ही इवेंट टुक द पोकेमोन लीग चैलेंज, आई हैव यू नो। ओ इसका बेटा कौन है, इसका बेटा, देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, बट इफ यू आर बैड बैटल माय ग्रैंडसन यू बट एंड अप क्राइंग इन फ्रस्ट्रेशन, इज मच स्ट्रॉन्गर देन एनी ट्रेनर आवर फैमिली नोस। कौन है भाई इसका, भाई इसका, ही कुड बी द चैंपियन ऑलरेडी। भाई भाई मतलब कौन है यार। वी यूज दिस मैच मैको ब्रेस ब्रेस टू मोर इफेक्टिवली स्ट्रेंथन आवर पोकेमोन इन ट्रेनिंग, सिंस यू हैव बीटन ऑल ऑफ अस हियर, आई डोंट नो इफ यू नीड इट बट वी वुड लाइक यू टू हैव आवर मेको ब्रेस। ओके गाइस, सो मैं मिल चुका मेचो ब्रेस, या मेको ब्रेस क्या कहेंगे, मेचो ब्रेस, मेको ब्रेस ही कहेंगे। एक मिनट, क्या है, मम्मी इज स्ट्रॉगर देन डैडी, आई एम स्ट्रॉगर देन मम्मी, एंड ग्रैंड मा इज स्ट्रॉगर देन मी, बट माई बिग ब्रदर इज इवन स्ट्रॉगर देन ग्रैंड मा, वी आर द पोकेमॉन फैन क्लब, वी आर ऑन द एयर। ओके 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 सही है। लेट्स हियर व्हाट शिव हैज टू से अबाउट द टेलर। क्या फ्रेंड, अच्छा, तो ये सब, ओ अगर आपको पिछले, अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे तो आपको पता होगा कि एक इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा था कि मैं पोकेमोन को क्या सोचता हूँ, तो मैंने फ्रेंड कहा था।
तो वही टीवी पे आ रहा है। सो सही है। अच्छा इधर देखते, इधर भी कुछ है आई गेस। ओ ये क्या है? अच्छा नेट हील कर लेते हैं। डू यू नो वेन दे आर ओपनिंग दिस प्लेस अप? आई एम वेटिंग हेयर फॉर टू बी द फर्स्ट चैलेंजर एवर। अच्छा क्या है ये? दिस इज ट्रेनर हिल वेर यू मे एंजॉय टैग बैटल्स विद मैन ट्रेनर्स। अनफॉर्चुनेटली वेर स्टिल गेटिंग थिंग्स रेडी। अच्छा, ओके। पता नहीं ये कब खुलेगा, मतलब कुछ है। सही है, हील हील हो गया हमारे पोकेमोन्स। और क्या चाहिए भाई? आगे चलते हैं, इधर देखते क्या है। आ हमें रॉक स्मैश यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइज वक्त आ चुका है कि हम अपने पोकेमोन को रॉक स्मैश सिखाएं। तो रॉक स्मैश सिखाएंगे हम अपने पोकेमोन को। फाइट टाइप मूव, फाइटिंग टाइप मूव है, तो मैं इसको सिखा सकता हूँ रॉक स्मैश ना। आई गेस मैं स्टॉर्म को सिखाना सही रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं अच्छा, डोज डोज ने सीख लिया कि कोई बात नहीं। अच्छा जियो डूड, चलो आगे चलते हैं। मैं साइकिल यूज़ करना भूल जाता हूँ बार बार। अच्छा यहाँ बैटल करेगा ये। फिर डोंट रेज योर पोकेमोन सम मोर, इट कुड बी टफ टू कीप विनिंग अप थ्रू द रैंक्स। आई हैव हर्ड दैट पोकेमोन लाइक इलाइट फोर आर फार स्ट्रॉन्गर देन एनी जिम लीडर। हाँ ये तो पता है। अच्छा ये क्या चल रहा है इधर? हे लुक देयर, क्या है कैमरा? अच्छा बैटल करेंगे ये लोग। आ शिट, ओ सम हु आर यू? आई न्यू यू आर। अच्छा, वुड यू गिव ए बिट ऑफ योर टाइम फॉर एन इंटरव्यू? ओके कर लेते हैं इंटरव्यू। ओके आई नीड टू डिस्क्राइब योर फीलिंग्स अबाउट आवर बैटल, बट इट हैज़ टू बी शॉर्ट एंड स्वीट। ओके फाइन वर्ड टू डिस्क्राइब। ट्रेनर ना, क्या बोलूँ मैं? बैटल गट्सी, गट्सी कह देते हैं। ओके थोड़ी ना मुझे कुछ ये एड्स अ परफेक्ट क्लिंचर। ओके 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 थैंक्स। तो ये लोग टीवी में एयर करेंगे बेसिकली। अच्छा यहाँ बैटल होगा। चलो गाइस बैटल करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। हरा दिया हमने इसे, तो अब चलते आगे हम। ओ शिट शिट शिट, ये क्या है? मैं कहाँ आ गया? अच्छा गाइस यहाँ पे एक और बैटल, तो चलो कर लेते हैं फटाक से। ओके गाइस अब चलते हैं आगे। मुझे पता नहीं कि ये कौन सा जगह है। रूट 111, रूट 112। अच्छा एनीवेज इधर चलते हैं हम। रूट 112 में आ गए हैं, यहाँ बैटल्स होंगे कुछ कुछ, तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा अपने आगे के एरियाज़ को। सो मेरे पास वो है ना, पोशन कह रहा हूँ, रैपल्स, रैपल हाँ है। अच्छा यहाँ देखते हैं क्या है। आई गेस इधर से जाना चाहिए। चलो गाइज बैटल करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइज हमने हरा दिया इस लड़के को भी, अब चलते हैं आगे। और मैं मुझे भी यार बैटल पसंद है करना, लेकिन अब थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्योंकि काफ़ी कंजिकटिव बैटल्स हो रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखते हैं वो पोकेबॉल मैं कैसे लूँ वहाँ से। शायद मुझे रॉक स्लाइड ना कुछ होता है वैसा यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं है ऑफकोर्स। सो गाइस एक और बैटल, तो चलो करते हैं। ओके यहाँ पे तो इधर तो कुछ नहीं है। हाँ इधर कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अब कौन आ गया? इट्स लोला। लोला कौन है भाई? मैंने किसको किसको नंबर दे दिया यार अपना। चलो गाइस बैटल करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ वापस से। ओके सो हमने हरा दिया इस अंकल को भी। नंबर लेगा ये पोकेमोन ऐप के फाइनल रजिस्टर्ड यू। ओके 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 कर ले भाई, फालतू में फ़ोन मत करियो मुझे, बहुत बिजी आदमी हो। तो यहाँ अंदर चल के देखते हैं क्या चल रहा है इधर। फेरी पाथ, ओ टॉर्कोल, ओ तो हाँ टॉर्कोल भी कहा था आप में से किसी ने, तो डेफिनेटली मैं टॉर्कोल पकड़ने वाला हूँ। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कौन से पोकेमोन्स है इधर। मेरे पास पोकीबॉल है कि नहीं, वो ज़रूरी बात है। मेरे पास पोकी बॉल है, ग्रेट बॉल भी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टॉर्कोल चाहिए, मैं टॉर्कोल पकड़ने वाला हूँ। हाँ टॉर्कोल,
बुलेट सीट आई गेस पर सेट करना चाहिए हमें। शिट यार, एक ही बार में फेंट हो गया, मुझे लगा नहीं था फेंट होगा एक ही बार में। यार शिट, बहुत दुख हुआ मुझे, टॉडकॉल को मैंने फेंट कर दिया। नुमल नहीं चाहिए मुझे, नुमल नहीं चाहिए मुझे, टॉडकॉल चाहिए। स्लगमा, स्लगटेरा का याद आ गया। ऐसा ही कुछ होता है ना, मतलब उसमें भी एक क्रीचर स्लगमा जैसा, स्लगटेरा अगर आपने देखा है तो। यार क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा गाइस, तो मैं ढूंढ लूँ, मैं पहले ढूंढ लेता हूँ गाइस, उसके बाद जब मैं पकड़ लूँ एक अच्छे टॉर्कल को, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? सो मिलते हैं गाइस। ओके सो गाइस, मुझे एक टॉर्कल मिला है लेवल 16 का, और मैंने इसे कट दो बार कट यूज़ करके करके इसका HP देखो कितना लो कर दिया, कितना भी लो, मतलब इतना भी लो नहीं किया, लेकिन फिर भी देखते हैं पकड़ पाता है क्या नहीं। शिट, हो जा, नहीं लगता है मुझे ग्रेट बॉल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए पोकेबॉल्स, ख़त्म हो गए मेरे। शिट, प्लीज हो जा। यार शिट भाई, एक ही है मेरे पास, रुक जाओ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मे बी मैं इलो को भेजता हूँ, इलो को भेजते हैं, इलो भाई कुछ काम, पैक एक और, पैक एक और, पैक एक और, पैक। हाँ चलो अब देखते हैं, प्लीज़ हो जा यार, प्लीज़ प्लीज़ भाई हो जा। मैं जानता हूँ मैंने बेवकूफ़ी की है ग्रेट बॉल यूज़ करके, बट कोई बात नहीं यार, आते रहेंगे ग्रेट बॉल्स तो। हट यार। क्यों होता है यार मेरे साथ ही, अच्छा ऐसा प्रीमियर बॉल से क्या होता है, रियल बॉल मेट कमर्शियल सम इवेंट, अच्छा अच्छा एनीवेज चलो, फ़ायदा नहीं है यार वापस चलो, एनीवेज हम चलते हैं आगे। मैं फिर आऊँगा यहाँ पे, टॉर्कोल भाई सुन ले, मैं फिर आऊँगा और तुझे पकड़ के रहूँगा। अभी मेरे पास पोकी बॉल नहीं है, लेकिन आऊँगा जल्दी मैं। गॉट अ कैच एम ऑल, रूट 112 आ गए। ओ शिट 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 शिट, मेरे पास मेरे पोकेमोन का HP भी देख लो, कुछ खास नहीं है, तो मुझे हील करना पड़ेगा। एक मिनट, साउंड क्यों चला जाता है बार बार। पोशन भाई, मेरे पास पोशन भी नहीं है। शिट यार, इसको दे देते हैं, और यहाँ पे सोडा पॉप्स है मेरे पास। ओके चलो गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा बैटल अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। समय ओ शिट, मुझे परेशान मत किया कर यार, जब मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा होता हूँ तो। अच्छा सो यहाँ से मैं इससे बच सकता हूँ क्या? बच गया। ओके चलो, इधर कहाँ पहुँच गए, रूट 111 में। सेंस रूम इज इम्पॉसिबल टू कीप गोइंग। ओके यहाँ जा नहीं सकते हम, हमें शायद वो कुछ चाहिए होता है इसके लिए, गॉगल्स ना कुछ ऐसा कुछ। सो गाइस एक और बैटल चलो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस, हमने हरा दिया इस लड़के को, अब हम चलते हैं आगे। और चलो ये क्या कर रहा है भाई, व्हाट्स दैट, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग माय ओन रूम हियर यूजिंग ए पोकेमॉन मूव, आई नो आई विल गिव यू दिस TM, विल यू यूज इट टू मेक योर ओन रूम, ऑब्टेन TM 43। रूम मतलब कैसा रूम भाई, किस टाइप का रूम? फाइंड बिग ट्री दैट लुक्स लाइक इट माइट ड्रॉप सम वाइन्स, अच्छा यू सीक्रेट पावर इन फ्रंट ऑफ द ट्री, सम वाइन्स वुड गेट फ्री एंड ड्रॉप डाउन सो यू कैन क्लाइम द ट्री, यू फाइंड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर पुटिंग योर फेवरेट थिंग्स, इट विल बी योर ओन सीक्रेट रूम, ए सीक्रेट बेस, यू शुड मेक वन टू। अनदर थिंग, यू डोंट ऑलवेज हैव टू मेक योर सीक्रेट बेस इन अ ट्री, ट्राई यूजिंग सीक्रेट पावर ऑन रॉक वॉल्स डेट हैव स्मॉल इंडेंट्स इन देम, आई एम गोइंग टू लुक फॉर अदर प्लेसेज टू। ओके भाई भाई, ये सही मूव है यार काफ़ी ज़्यादा, अगर ऐसा सच में मतलब ये मुझे ठग के तो नहीं गया, मतलब सच में बना सकता हूँ अगर, तो काफ़ी सही मूव है। सो इधर देखते हैं, ये ओल्ड लेडीज रेस्ट स्टॉप कम इन एंड रेस्ट योर टायर्ड बोन्स, ओ सही है, हील करेगी शायद मुझे ये, एक मिनट। ओ डियर डियर, आर एंड योर पोकेमॉन एग्जॉस्टेड, इफ यू लाइक रेस्ट ऑफ हियर इट्स फाइन, आई यू शुड डू दैट, यस ओके
थैंक यू यार। तो शायद मेरे सारे पोकेमोन सब हील्ड है। सो दोस्तों आई गेस इस वीडियो में, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे जाएंगे। और हाँ, टॉर्कोल को पकड़ना है हमें दोस्तों। डेफिनेटली मैं टॉर्कोल को पकड़ने वाला हूँ आने वाले एपिसोड्स में, या शायद नेक्स्ट एपिसोड में, अगर पोकेबॉल्स मिल जाते हैं मुझे तो डेफिनेटली। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, टेक केयर।